हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राज बीजापुर सॉफ्टा पैड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज के कंटेंट में मेरे पास में अवेलेबल है रोलैंड का एसपीडी एसएक्स पैड। एंड इस पैड पर मैं लेके आया आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग, एक ऐसी सेटिंग जिसके जरिए आप अपने एसपीडी एसएक्स का बैकअप जो होता है उस बैकअप को आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं पेन ड्राइव की हेल्प से, जो पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है। गाइस, आप अपने एसपीडी एसएक्स में जो भी बैकअप यूज कर रहे हैं उस बैकअप को इस पेन ड्राइव में आप कैसे लोड कर सकते हैं। एंड इसका एक ये भी फायदा होता है कि कभी इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि अपना बैकअप किसी वजह से इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, तो अगर आपके पास में ऑलरेडी बैकअप अवेलेबल होगा तो आप किसी भी वक्त उसको लाइव प्रोग्राम में भी आप इस बैकअप को अच्छे से लोड कर सकते हैं एंड परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैकअप लोड करने का आज हम तरीका सीखने वाले हैं कि एसपीडी एसएक्स का बैकअप पेन ड्राइव में लोड कैसे किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। अगर आप एसपीडी एसएक्स यूजर हैं तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए है, विदाउट स्किप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। एसपीडी एसएक्स में जो भी बैकअप लोडेड है उस बैकअप को मैं इस पेन ड्राइव में लोड करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ऐसे नेक्स्ट कंटेंट आए तो सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए ऑक्टापैड के फ्रंट पेज पर और देखते आज की सेटिंग्स। ओके गाइस, तो आ चुके हैं ऑक्टापैड के फ्रंट पेज पर और अभी यहां से सीखने वाले पेन ड्राइव में लूप को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले खाली पेन ड्राइव लेना है, जो आप नई परचेज करोगे तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इसमें ऑलरेडी कुछ अवेलेबल होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो आप नई परचेज कर लिए, हमने भी नई परचेज करी है। तो ये पेन ड्राइव सिंपली यहाँ पे बैक साइड में इसको इंसर्ट करना है, जहाँ इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है वहीं पर, एंड ये इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद में इस पैड का अपन पूरा बैकअप इस पेन ड्राइव में ले रहे, तो उसके पहले सबसे पहले आपको मेन्यू प्रेस करना है, उसके बाद में कर्सर की हेल्प से आपको यहाँ पे यूटिलिटी पे आना है, जो यूटिलिटी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में आपको सेव यूएसबी मेमोरी लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन, उसमें आना है, सेव यूएसबी मेमोरी में आना है एंड उसके बाद में एक बार वापस एंटर करना है। एंटर करने के बाद में किट प्लस सेटिंग्स जो लिखा हुआ है, अगर आपको एक एक किट लेना है पेन ड्राइव के जरिए तो आप किट प्लस सेटिंग में जाइए एंड पूरा बैकअप लोड करना है तो ऑल सेटिंग जो लिखा हुआ है वहाँ पर आना है एंड उसके बाद में आपको ऑल इंटर प्रेस करना है। उसके बाद में सेव एज अ फोल्डर का नाम ऑप्शन आएगा, अगर आपको बैकअप का नाम लिखना है यहाँ पे तो आप बैकअप का नाम लिख सकते हैं एंड अगर बैकअप का नाम नहीं लिखना है तो आप ऐसे ही एंटर एक बार वापस वंस अगेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैकअप का नाम फ़िलहाल नहीं लिख रहे तो हमने एंटर प्रेस कर दिया। एक बार और वंस अगेन सिक्योरिटी मांग रहा है तो एक बार और एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ से लाइनिंग अभी चालू हो गई, पूरा बैकअप लोड हो रहा है। तो यहाँ पे बैकअप लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना बैकअप, कितने जीबी का बैकअप है उस पर डिपेंड करता है, तो बैकअप लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे लाइनिंग जैसे ही स्क्रॉल होती है आप यहाँ पे देख पाएंगे अच्छे से कि बैकअप लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइज, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल तरीका है बैकअप लोड करने का। आप आसानी से इस तरह से अपना नया पेन ड्राइव लाके एसपीडी एसएक्स का बैकअप लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग चालू हो चुकी है, आपको दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल बैकअप लोड हो रहा है, इसे एसपीडी एसएक्स का बैकअप पेन ड्राइव में लोड हो रहा है एंड लोड होने के बाद में उसको वापस सेव कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ से बैकअप लोड हो रहा है। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, हम वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ओके, तो काफ़ी समय हो गया हमको वेट करते करते गाइस, फाइनली लाइन अभी कंप्लीट होने को आई है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे।
तो अभी ये बैकअप पूरी तरह से पेन ड्राइव में सेव होने जा रहा है, कंप्लीट भी आ गया है। देखिए कंप्लीट लिखा हुआ ऑलरेडी, यानी कि बैकअप पूरा लोड हो चुका है और उसके बाद में आपको वापस एंटर प्रेस करना है। ओके गाइस, तो बैकअप पूरा जो SPDSH में ये था सेव, तो पूरा बैकअप हमने पेन ड्राइव में ले लिया है, ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो यही बैकअप अगर हम किसी SPDSH में सेव करने जाए तो वो सेव वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए सेव सेटिंग। लेकिन फिलहाल बैकअप को लोड कैसे किया जाता है वो हमने आज सीखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सभी म्यूजिशियन भाइयों को जय माशा।